संगम युग का इम्पोर्टेंस, संगम युगी जीवन का इम्पोर्टेंस, ये पूरा सीरीज है। और इतनी बाबा की कमाल की बाबा की मुरली है, तो बाबा ने जिसमें विशेष स्पेशलिटीज बताई ब्राह्मण जीवन की, स्वत योगी आत्माएं, ये हमारी ब्राह्मण जीवन की स्पेशलिटीज, स्वत योगी आत्माएं, साथ रहने वाले मतलब साथ रहने वाले, दूसरा ज्ञानी तो आत्माएं एंड सेवाधारी, सॉरी ज्ञानी तो आत्मा का मतलब है सदा सेवा में सहयोगी, साथी बन चलने वाली और सेवाधारी भी, और तीसरा है संपन्न कर्मातीत आत्माएं। तो तीन टाइप की विशेषताएं बाबा देख रहा था, स्वत योगी। तो कितना साथ रहना बाबा का, बाबा साथ है, याद याद साथ कितना इजी है, वहां तो दुनिया में फिजिकली साथ हो तो ही ये साथ है, लेकिन याद है तो भी साथ है बाबा का। और इसलिए वो नेचुरल हो, जैसे कोई किस कोई चीज को नेचुरल कब कहते हैं हम, जैसे हम अमृत वेला करते हैं, हम इसमें काउंट नहीं करते कि मैंने इतनी मुरली सुनी, इतने अमृत वेले किए, नेचुरल हो गया, अब तो ये लाइफस्टाइल हो गया। इसी तरह साथ रहना ये स्वाभाविक हो जाए, बाबा साथ है, बाबा साथ है, और फिर वो दिखाई दे। कभी-कभी हम, क्योंकि 100% है कि अगर बाबा साथ है ना, तो मेरे ऐसे वैसे डिसीजंस नहीं होंगे, श्रीमत का उल्लंघन हम नहीं कर पाएंगे, मनमत पर नहीं चलेंगे, तो साथ भी दिखाई दे, ये फील हो। तो एक तो ये है, संकल्पों में कितना साथ चलता है, और ज्ञानी तो आत्माएं, अर्थात कौन सी आत्माएं, सबसे पहले सदा सेवा में सहयोगी, आगे है नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट टू नेक्स्ट बताओ। तो सदा सेवा में सहयोगी, सेव बाबा की सेवा में मैं सहयोगी, सेवाधारी, सहयोगी साथी, निमित्त करण करावन हार वह है, मैपन नहीं और स्नेही। अगर ये पांचों है, इसका मतलब ज्ञानी तो आत्मा है। ये मुझे देखना है, देखो एक है बाबा के कार्य में मैं कितना सहयोगी हूं, ये देखे स्वयं बाबा के कार्य में कितना सहयोगी हूं, क्योंकि सदा सहयोगी का मतलब है कि संकल्प बोल कर्म में सहयोगी, थॉट्स में बहुत सहयोगी होंगे वो आत्मा बाबा के, रेडी सहयोगी जो होगा ना, कोऑपरेटिव कंपेनियन, इंग्लिश में बहुत अच्छे से बोल रहे हो, तो कंपेनियन भी है लेकिन वेरी कोऑपरेटिव, कि हर बात में रेडी है सेवा में, तो सहयोगी साथी है बाबा के, सहयोगी है। और निमित्त करण करावनहार, तो अब वो निमित्त पना किसे कहेंगे, बाबा ने बहुत क्लियरली बताया कि ये फीलिंग कि बाबा बुद्धिवानों की बुद्धि टच कर रहे हैं, मुझे निमित्त बना रहे, केवल फॉरवर्ड ऊपर की फीलिंग हो, इधर जो कर रहे वो बाबा करा रहे, और मैपन नहीं और स्नेही, इतना सा भी, क्योंकि जो मैं चीज होगी ना, मैंने किया वो याद आएगा बहुत कुछ, और जो दूसरे ने किया वो इतना याद नहीं हो रहता है। वैसे भी कई कई बार होता है ना, वो कहते हैं कि मैंने इतना किया, वो आपको नहीं दिखता है। तो दूसरे का अच्छा इतना नहीं दिखता है, खुद का ज्यादा दिखता है,
तो जब मैंने किया ही नहीं, तो बाबा ने कराया, तो मुझे जो भी हम करते हैं कभी कभी, और हम कहते हैं मैंने इतना किया, मैंने इतना अच्छा किया, सेवा किया, मतलब मैंपन, इसलिए वो याद रहा। बाकी वो अलग बात है कि हम कभी फोटोज आदि ज्ञानामृत आदि में देते हैं, वो इसलिए नहीं कि मैपन का होता है, लेकिन ये है होता है कि संस्था के बारे में सबको पता चले इसलिए देते हैं। ऐसा भी हो सकता है जो कई है जो फोटोज इसलिए भी देते हैं कि भाई पता चले लोगों को मैं ये सेवा करता हूँ, लेकिन हमारी ये भावना है कि क्या चल रहा है ये अन्य को पता चले, वो एक अलग बात है। तो आज का जो पुरुषार्थ रहेगा क्या होगा फिर, निमित्त बनना, मतलब हाँ निमित्त बनना कि बाबा बुद्धिवानों की बुद्धि, बुद्धि को टच बाबा करते हैं, और विजुअलाइज करना है बाबा डूइंग, नेम सेक मेरा इंस्ट्रूमेंट ये बाबा ले रहा है, ये इंस्ट्रूमेंट नेम सेक मी एस एन इंस्ट्रूमेंट बाबा की, बाबा मेरे द्वारा, बाबा कहते हैं ना नाम आपका काम बाप का, तो हर बात में ये हो, नाम बाबा दे रहे हैं मुझे, काम उसका है, नाम मेरा है, तो फीलिंग की बाबा की सदा साथ है, और क्या मैं सदा सहयोगी हूँ बाबा के टास्क में, बाबा का कोई भी टास्क बाबा आई एम रेडी, संकल्पों से सेवा करनी है, शब्दों से करनी, मैं रेडी हूँ, ये वाली सदा साथ का होमवर्क आज रखेंगे पूरा, आज मुरली में भी था, ऐसे फील हो ऐसे सामने बाबा है। और दूसरा ये देखो बाबा का ना, वो बच्चों को हम सिखाते हैं हाउ आ गया, हाउ आ गया, एक्चुअली क्या होता है, और उसको बेचारा को डर भी लगता रहता है और वो सेफ रहता है। तो इसी तरह हम कहते बाबा साथ में, और ये तो प्रूव्ड है कि बाबा होता ही है। दूसरा है बाबा की सकाश मेरे ऊपर छत्र छाया, और वह करा रही है, हर बात में ये फील हो बाबा करा रहा है, बाबा करा रहा है, मैं होता है ना तो प्रेशर भी होता है, और मतलब फिर वो लगता है कि मैंने इतना किया, लिमिटेशन भी आ जाती है, बस बाबा की सकाश आ रही है, बाबा करा रहा है, ये हाथ को यूज कर रहा है, आज पूरे दिन देखो कि बाबा यूज कर रहा है, ऑफिस में भी ट्राई करना कि मैं बैठा हूँ बाबा यूज कर रहा है मेरे हाथ को, और फिर फीलिंग आत्माभिमानी आज का था ना धारणा का सार, कि आत्म अभिमानी दिव्य प्रकाश, बार बार ये मुझे इतना मतलब अच्छा लगने लगा है, मैं पहले भी करते थे जो, लेकिन पुरुषार्थ दिव्य प्रकाश का बहुत सुकून महसूस होता है, ऐसे तब हमको लगता है हम ऑर्डिनरी नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो 10 मिनट तो एटलीस्ट करें, बाबा तो सदा की बोल रहे हैं 10 मिनट एटलीस्ट करेंगे पुरुषार्थ, ठीक है ज्यादा तो नहीं है पुरुषार्थ, 10 मिनट भाई टाइम इतना